हेलो एवरीवन। तो आज हम कंपनी लॉ करेंगे। हमारे लीगल एप्टीट्यूड के अंदर है कंपनी लॉ, और इस पे तो एग्जीक्यूटिव पे तो ये पूरा एक पेपर ही है कंपनी लॉ का। तो आज हम कंपनी लॉ चालू करेंगे, ठीक है? तो चालू करते हैं। अब कंपनी लॉ के अंदर बेसिकली क्या है, पहले तो हम कंपनी का मतलब समझते हैं। कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी लैटिन वर्ड से डिराइव करता है, जो कॉम और पेनिस, कॉम और पेनिस से आता है। पेनिस मतलब ब्रेड, ठीक है? कंपनी, कंपनी मतलब टुगेदर, जो पहले के ज़माने में, पहले के टाइम के अंदर जो लोग साथ में, पहले के जो साथ में गैदरिंग करते थे उसको कंपनी बोलते थे, कि भाई जो लोग साथ में खाना खा रहे हैं, जो लोग साथ में इकट्ठा होके खाना खा रहे हैं। तो पहले के टाइम में लोग खाने पर डिस्कशन करते थे अपनी प्रॉब्लम्स का, कि आज मेरे को इतने का लॉस हुआ, मेरे को इतने का प्रॉफिट हुआ। तो उससे ये कंपनी वर्ड डिराइव हुआ है। कम मतलब टुगेदर और इसका मतलब ब्रेड। पहले साथ में लोग खाना खाते थे, लैटिन वर्ड है, ध्यान रखना। और कंपनी इज डिराइव फ्रॉम दीज टू वर्ड्स। इन द ओल्डर टाइम्स द पर्सन्स आर यूज टू सिट टुगेदर एंड ईट फूड एंड डिस्कस देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। सो इनिशियली एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील टुगेदर वॉज नोन एज कंपनी। फिर क्या हुआ, जो बिजनेस मैन, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया, और उन्होंने जब इतने सारे लोग साथ में इकट्ठा होकर खाना और खाते हैं और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो उसको उन्होंने मौके के तरीके से देखा, और उन्होंने कहा कि चलो यही अपने बिजनेस को प्रमोट करने का तरीका है। तो इससे फाइनली कंपनी वर्ड डिराइव हुआ। और अब कंपनी का मतलब क्या है, एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पीपल फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग बिजनेस। एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पीपल फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग बिजनेस। देखो, हम कंपनी लॉ चालू करने से पहले एक बार कंपनी समझेंगे होता क्या है। बहुत एजुकेटर्स हैं जो बिना कंपनी को बताए सीधा पूरा कंपनी लॉ पढ़ा देते हैं, लास्ट में बच्चों को पता ही नहीं लगता कि कंपनी लॉ बेसिकली है क्या, कंपनी लॉ की ज़रूरत क्यों आई। हमने अभी बेसिक कंपनी का मीनिंग करा, जो रटा रटा है कि भाई पहले के टाइम में लोग खाना एक साथ खाते थे, तो उन्होंने उसको मौके की तरह देखा, और फिर फाइनली जो कंपनी है, जो लाइक माइंडेड पीपल की असेंबली है फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस, तो कंपनी वर्ड वहाँ से इवॉल्व हुआ। अब देखो, वॉट इज एग्जैक्टली अ कंपनी, अब देखना, ये बहुत, इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, किसी भी एजुकेटेड ने नहीं दिया होगा कि वाई इज एग्जैक्टली कंपनी फॉर्म्ड। ठीक है, कंपनी फॉर्म्ड क्यों हुई, देखो मेरी बात, एक्स और वाई, देखना अभी मैं बताता हूँ। एक्स और वाई को एक फैक्ट्री सेटअप करनी थी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक फैक्ट्री सेटअप करनी थी, कितने की, 50 लाख रुपीज़ की, कोई अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए फैक्ट्री सेटअप करनी थी। इनके पास अमाउंट था नहीं 50 लाख रुपीज़। तो अब इनके पास सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन ये है कि नंबर वन तो हो गया कि बैंक से लोन लो। भाई अगर पैसे नहीं है और फिर बिजनेस स्टार्ट करना है तो सोल्यूशन क्या है कि बैंक से लोन लो। अब बैंक से लोन लेने में रिस्क कितने हैं, मान लो फैक्ट्री चली नहीं, फैक्ट्री में लॉस हो गए, बैंकरप्ट हो गए, तो रिस्क तो है बहुत ज़्यादा। अब 50 लाख का लोन लेके तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा, और अगर और ये लॉस में चले गई, इसकी फाइनल नेटवर्थ जीरो रह गई, फैक्ट्री लॉस में चले गई, सब कुछ बैंक करप्ट हो गया, तो जो अपने असेट्स रहे, अपने जो प्रॉपर्टी है, वो भी इनको बैंक को लोन को चुकाने के लिए, लोन को रीपे करने के लिए देने पड़ेंगे। तो भाई बैंक लोन तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इन्होंने और दिमाग लगाया कि हम और क्या कर सकते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप बहुत डिटेल में आएगा, पार्टनरशिप एक्ट है हमारा इंडियन गवर्नमेंट का जो पार्टनरशिप को कंट्रोल करता है, पर बेसिकली हम पहले पार्टनरशिप समझ रहे हैं। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, देखो जो भी पार्टनर होते हैं ना, पार्टनर सारे इक्वल होते हैं, मतलब उनके डिसीजन मेकिंग पावर इक्वल होते हैं। पार्टनर वन, पार्टनर टू, पार्टनर थ्री, कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, और ये बना के बनते हैं एक फर्म। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, जो इनके डिसीजन मेकिंग इक्वल होते हैं, ये सारे फर्म की एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं। ऐसा इसमें छोटा बड़ा नहीं होता कि तू छोटा तू बड़ा तू ये, नहीं, तीनों इक्वल होते हैं। दे आर देयर मास्टर, ये खुद अपने ओनर होते हैं, ये खुद ओनर होते हैं बिजनेस के एक तरीके से। और अगर ये पार्टनर कोई गलती करता है तो उस गलती का खामियाजा, उस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों पार्टनर की भी होती है, क्योंकि ऑल पार्टनर्स आर इक्वल एंड ऑल आर लाइबल फॉर द ईच अदर्स एक्ट।
हर पार्टनर एक दूसरे के एक्ट के लिए लाइबल होता है, तो ऑल पार्टनर्स आर इक्वल एंड ऑल आर लाइबल फॉर ईच अदर एक्ट। अगर ये कोई गलत काम करेगा तो ये भी लाइबल होगा, ये भी लाइबल होगा, तो सारे पार्टनर एक दूसरे के लिए लाइबल होते हैं और सारे कंपनी नहीं सॉरी फर्म के डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं। अब सुनो, इनको 50 लाख रुपीज जमा करने थे, सॉरी ब्लर हो गया था, इनको 50 लाख रुपीज जमा करने थे। अब मान लो इनको ये अपने विलेजर्स के लोगों से ले गए, तो विलेजर्स में 100 लोग रहते हैं, 100 से ये पैसे ले गए, तो 100 को इनको पार्टनरशिप के अंदर देना पड़ेगा, मतलब 100 पार्टनर हो गए P1 से लेके P100। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सब पार्टनर का कंसेंट लेना पड़ेगा, सब पार्टनर का कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, इतने सारे लोगों का कंसेंट लेना पड़ेगा। फिर फर्म का मैनेजमेंट कैसे चलेगा? इन एक्स और वाई की तो कोई वो ही नहीं बची पावर, जब इतने सारे पार्टनर्स आ गए, 100 पार्टनर्स, तो फिर इन्होंने कहा कि भाई पार्टनरशिप भी पॉसिबल नहीं है। भाई पार्टनरशिप कैसे पॉसिबल हो? हमें 50 लाख भी चाहिए और बहुत सारे लोगों से चाहिए, हम सबको अपनी फर्म के अंदर थोड़ी हिस्सेदारी दे देंगे, फिर तो हमारा कोई कुछ बचेगा ही नहीं, सारे लोग ही पार्टनर बन जाएंगे। तो इन्होंने कहा पार्टनरशिप भी नहीं चलेगा, बैंक लोन भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब इन्होंने और दिमाग लगाया, और दिमाग लगाया, तो इनको क्या ध्यान में आया? इनको ध्यान में आया, चलो आइडिया, कंपनी बनाते हैं, ठीक है, कंपनी बनाते हैं। अब एक कंपनी होती क्या है, बहुत ढंग से समझेंगे, पर पहले जितना हम ये दो ऑप्शन की नहीं हो, ये समझ में आए नहीं आए हो, कमेंट बॉक्स पे टाइप करना, मेरे नीचे नंबर दे रखा है, मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब देखना, और ये नोट्स व्हाट्सएप के अंदर जब आप नया नया ग्रुप ज्वाइन करो, एक बार मेरे को डीएम कर देना, क्योंकि व्हाट्सएप में मैं पहले से बहुत पहले ही भेज देता हूँ, तो बार बार रिपीट होते हैं, अगर आप डीएम कर दोगे तो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है। तो ये हो गए व्हाट इज एग्जैक्टली कंपनी। देखो, एक्स एंड वाई वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश अ लार्ज प्लांट फॉर विच दे लार्ज प्लांट दे वॉन्ट हेल्प, दे नीड मनी, दे नीड इन्वेस्टमेंट। नंबर वन चॉइस, इन्होंने बैंक इंटरेस्ट लिया, बैंक इंटरेस्ट के अंदर रिस्क हाई होते हैं, इंटरेस्ट हाई होते हैं, लॉस हो गया, बैंक करप्ट हो जाएंगे, असेट्स की लॉस हो जाएगी, ठीक है भाई। पार्टनरशिप, ऑल पार्टनर्स आर ओनर्स एंड ऑल टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, ऑल पार्टनर्स आर ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, और अगर कोई पार्टनर डाई कर जाता है तो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती है। ये अभी हम पार्टनरशिप में बहुत ढंग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर 100 लोगों को उसने हायर करा, 100 में से 1 भी मर गया, तो उसकी पूरा बिजनेस खत्म, फिर तो क्या मजा आया, ठीक है। और फिर हम एक और ये एक मिनट गिरा, हाँ, और ऑल पार्टनर्स विल बी लाइबल फॉर लॉस। और पता है इसमें एक और चीज़ है, मैं बताना भूल गया, पार्टनरशिप के अंदर अगर कंपनी लॉस में चले गई, तो सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, और उस लॉस को रिकवर करने के लिए बैंक इन पार्टनर्स के असेट्स जब्त कर सकता है, सब सीज कर देगा इस लॉस को रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो पार्टनर्स के अंदर अगर हमारे लॉस हो गया तो हमारे एसेट्स भी चल जाएंगे, हमारा सब कुछ चल जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे, तो पार्टनरशिप फिजिबल नहीं है। तो इन्होंने नया दिमाग लगाया कंपनी का। अब देखो, ऑल पार्टनर्स विल बी लाइबल फॉर लॉस, एसेट्स प्रॉपर्टी सब स्टेक पर होगी, पार्टनर मर गया पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब वाई वॉज देयर द नीड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, ये मैंने आपको ढंग से बता दिया, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं आ रहा था, जो दो तरीके थे बैंक से, एक तो होगा हम भाई बैंक के पास जाके लोन मांग लो सबसे आसान, और दूसरा यार मेरे को 100 रुपये दे दे, हम पार्टनरशिप करेंगे, जो प्रॉफिट होगा ना आधा आधा बांटेंगे, सारी चीजें होगी। तो पार्टनरशिप भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और सबको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब न्यू कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू टैकल द प्रॉब्लम। अभी न्यू कॉन्सेप्ट क्या है ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, देखो न्यू कॉन्सेप्ट ये है, इन्होंने दिमाग लगाया, मान लो अब मैं वो 50 लाख वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल हो जाएगा, इसलिए मैं 1000 का ले रहा हूँ। इनको 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए था, इन्होंने पता है क्या करा, इन्होंने 1000 रुपीज़ को 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ पर शेयर इंटू 100 शेयर्स, ढंग से समझना आ जाएगा, ये मेन कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का, बिना इसके पार्टनरशिप को समझने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। पूरे इस कॉन्सेप्ट से, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से, जो आपके जितने कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर है पार्टनरशिप के, वो पार्टनरशिप नहीं सॉरी कंपनी के, वो क्लियर हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। अब देखना, इन्होंने क्या करा, 1000 रुपए को
100 शेयर में बांट दिया और एक शेयर की प्राइस क्या रखी, 10 रुपए। ठीक है, 100 शेयर में बांट दिया, एक शेयर की प्राइस रखी 10 रुपए। इससे पता है क्या फायदा हुआ, जिसको इन्वेस्ट करना है वो हमारे आके शेयर खरीद लो, जिसको इन्वेस्ट करना है वो हमारे आके शेयर खरीद लो। तो इसने एक शेयर खरीदे, ये छोटा गरीब आदमी था, इसने एक शेयर खरीद ले, एक शेयर तक का मतलब 10 रुपए तक का भी इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये की कंपनी के अंदर कर सकते हैं। शेयर की वैल्यू ये कुछ भी रख सकते हैं, 150 रखे, 200 रखे, 1000 रखे, किसी ने रोका थोड़ी है। 50 लाख होगा तो कितने भी शेयर रखो और उसकी वैल्यू कितनी भी रखो, किसी ने आपको रोका नहीं है। कितने भी पार्ट में इस 1000 रुपीज को डिवाइड करो, ठीक है। इसने एक शेयर खरीदे, इसने दो शेयर खरीदे, इसने 96 शेयर खरीदे, और 96, 97, 98, 99 इसने एक शेयर खरीदा, ठीक है। ऐसे करके 100 शेयर खरीदे। अब मेरी बात सुनना, तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि चलो हम इनको शेयर बेच देते हैं, इन्होंने शेयर बेच दिए। अब इसमें क्या होगा कि प्रॉफिट प्रॉफिट मान लो 1 साल बाद 1000 रुपीज का हुआ, 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो 1000 रुपीज को कितने में डिवाइड करेंगे, 100 शेयर थे तो मतलब 10 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट हुआ, एक तरीके से डबल हो गई ना। 1000 रुपये तो कंपनी चालू करी, 1000 रुपये कंपनी को स्टार्ट करा, और 1000 का प्रॉफिट हो गया था, टोटल कंपनी की नेटवर्थ कितनी रही, 2000 नेटवर्थ रही कंपनी की, ठीक है, आज की डेट में नेटवर्थ टुडे। और 2000 को हम कितने शेयर में बांटा था, हमने ऊपर 100 शेयर में बांटा, तो इसकी क्या रही, 20 रुपीज पर शेयर हो गया, मतलब 20 रुपीज पर शेयर हो गया। पहले था 10 रुपये पर शेयर, अब हो गया 20 रुपीज पर शेयर, क्योंकि 1000 पे कंपनी चालू करी, 1000 का प्रॉफिट आया, 1000 पहले से ही थे, 1000 का प्रॉफिट आया, तो टोटल कंपनी की नेटवर्थ कितनी हो गई, 2000 हो गई, 1000 शेयर थे, डिवाइड करा तो आज की डेट में एक शेयर की प्राइस कितनी है, 20 रुपये एक शेयर की प्राइस है, तो पर पर्सन को 10 रुपये, 10 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हुआ। इन्होंने प्रॉफिट तो जिसके पास जितने शेयर थे, इसके पास एक शेयर था, इसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, इसके पास 96 थे, इसको 960 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। इसने लिए कितने के अंदर थे, इसने 96 शेयर थे तो इतने का हो गया, इसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, इसको 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। जितने ज्यादा उसने शेयर लिए थे, जितना ज्यादा उसका इन्वेस्टमेंट था इसके प्रोजेक्ट के अंदर, उतना ही उसको ज्यादा प्रॉफिट मिला। तो ये कंपनी का कॉन्सेप्ट है, ये कंपनी का कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डीप में मत जाओ। एक और बार मैं इसको समझा देता हूँ, कुछ इनको दिमाग में नहीं आया, तो इन्होंने कंपनी बनाई, कंपनी को 1000 रुपये की कंपनी बनाई, उसको 100 शेयर में बांटा, तो 10 रुपये पर शेयर की वैल्यू रखी, जिसको जितने का इन्वेस्टमेंट करना है कर सकता है, तो आप 10 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतने का तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सब लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, जो प्रॉफिट हुए वो प्रॉफिट भी इन लोगों के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांटे गए, तो ऐसे करके ये कंपनी रन करेगी, ठीक है। अब हम एक बार इधर आते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर दिक्कत आए व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, मैं दोबारा वॉइस करके वॉइस रिकॉर्डिंग भेज के दोबारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। अब देखना, इफ 100 परसेंट गिव देम मनी, देन ऑल 100 विल टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग इन द पार्टनरशिप का, ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट वॉज यूज, नीड 1000 टू स्टार्ट द बिजनेस, सो डिवाइडेड 1000 इन 100 शेयर्स, पर शेयर वैल्यू इज 10, सो ₹10 इंटू 100 शेयर इज 1000। नाउ एनी वन कैन बाय शेयर टू इन्वेस्ट इन देयर फैक्ट्रीज, का एडवांटेज क्या है, लोएस्ट से लोएस्ट अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आपकी फैक्ट्री के अंदर हो सकता है। अब प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होएंगे, देखो प्रॉफिट्स मान लो 1000 का प्रॉफिट हुआ तो 100 शेयर में डिवाइड हो गया, 100 शेयर में डिवाइड हो गया तो 200, नाउ ईच शेयर कॉस्ट ₹20, ठीक है, नाउ ईच शेयर कॉस्ट ₹20। अब देखना एक मिनट, ठीक है, इसने दो शेयर लिए थे, ए ने
ए ब्रॉट टू शेयर, कितने के लिए थे? एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का था। इसने 2 शेयर लिए थे 20 रुपए के, और अब जब ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट के बाद एक शेयर की वैल्यू कितनी हुई? 20 रुपए। तो इसने कितने शेयर लिए थे? 2। तो 20 × 2, सॉरी गलत लिख गया, तो अब कितने की होगी? 40 रुपए। 40 रुपए मतलब लिया था 20 रुपए में, हो गया 40 रुपए इनिशियल एंड आफ्टर प्रॉफिट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कंपनी का। तो ये इन्होंने, अब देखो कंपनी की नीड कैसे आई, हमें इस कॉन्सेप्ट से पता लगा। हमने सीधा कंपनी चालू नहीं कर दिया, कंपनी ये होता है, कंपनी वो होता है, पहले समझे तो सही है हमें कंपनी की नीड क्यों आई, फिर जो हम कंपनी चालू करेंगे। ठीक है, तो अब देखना, अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ में बताते जा रहा हूँ। पहले तो हम बात करते हैं, ये हो गया हाउ प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बता दिया। अब सुनो, हु विल रन द कंपनी, ये बात तो ठीक है। हु विल रन द कंपनी, ये 4 लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा, अब 4 लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा, अब कंपनी कौन चलाएगा? ठीक है, कंपनी कौन चलाएगा? देखो इस 4 में से है ना, एक्स और वाई भी थे, इन्होंने भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करा था। अब कंपनी कौन, देखो मैं बात बताऊं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोज हु इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी आर नोन एज मेंबर्स। कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और वो मेंबर्स हर साल मेजोरिटी से एक डायरेक्टर को चुनते हैं, चूजेस डायरेक्टर हु विल रन एंड डायरेक्ट द बिजनेस। ठीक है, एक डायरेक्टर भी हो सकते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। रिलायंस है, रिलायंस की कंपनी है, उसके कंपनी के अंदर 1 लाख, 2 लाख, कितने लाख, 10 लाख शेयर हो गए, 10 लाख शेयर हो गए, और उनकी कोई प्राइस होगी। 10 लाख शेयर हो गए तो कितने हजारों, कितने लाखों लोग हो गए, लैक्स ऑफ मेंबर्स, लैक्स ऑफ मेंबर्स होएंगे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये जो लैक्स ऑफ मेंबर्स है, इनको तो हम मेंबर्स बोलेंगे। ये मेंबर्स है ना, एक डायरेक्टर को चुनेंगे, ये मेंबर्स एक डायरेक्टर को चुनेंगे। हु विल रन दिस कंपनी, हु विल रन दिस कंपनी। अब इन मेंबर्स का कोई काम थोड़ी है, ये जो डायरेक्टर, मेरे को रिलायंस का डायरेक्टर शायद मुकेश अंबानी होना चाहिए, डायरेक्टर है या सीईओ है पता नहीं, पर अगर मान लो मुकेश अंबानी डायरेक्टर है रिलायंस का, तो ये लोग मुकेश अंबानी को, जो जिसने एक एक जने ने 10 रुपए का शेयर खरीद रखा है, वो मुकेश अंबानी को बोलेगा कि यार ऐसे काम कर, वैसे काम कर। तो ये जो लैक ऑफ मेंबर होते हैं ना, इनका कंपनी की फंक्शनिंग में कोई रोल नहीं होता, कंपनी की फंक्शनिंग में कोई रोल नहीं है, कंपनी फंक्शनिंग में नो रोल, इनका कोई भी रोल नहीं है कंपनी की फंक्शनिंग में। अगर कंपनी की फंक्शनिंग में रोल ही करना था तो पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप के अंदर यही तो होता है कि हर डिसीजन के अंदर हमें सारे मेंबर से, सारे लोगों से पूछना पड़ता है, कोई डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले ही नहीं सकते। तभी तो हमने कंपनी बनाई जिससे कि हर मेंबर से ना पूछना पड़े, मेंबर को सिर्फ अपने पैसों से मतलब है कि मैंने एक शेयर 10 रुपए का खरीदा था, प्रॉफिट होने के बाद वो शेयर 20 रुपए का हो गया, तो मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया बस। मेंबर को और कोई भी फर्क नहीं है, कंपनी की फंक्शनिंग कैसे भी करे, कंपनी फंक्शनिंग कैसे भी करे, उस मेंबर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो दोस हु इन्वेस्ट आर नोन एज इन्वेस्ट इन द कंपनी आर नोन एज मेंबर, और बाय मेजोरिटी डायरेक्टर चूज करेगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज करेगा, अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर हो किसी कंपनी के अंदर। ठीक है, तो ये जो हाउ प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसकी हेडिंग क्या है? वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट्स। जो अपने मॉड्यूल में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी दे रखी है, नेचर ऑफ कंपनी मतलब जो भी दे रखा है, उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी की, उसके अंदर पहला पॉइंट या जो भी पॉइंट है उसमें क्या है? वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। ये लोग वॉलेंट्री एसोसिएट होकर आया है प्रॉफिट के लिए, इनका बिजनेस के अंदर कोई लेना देना नहीं है इन मेंबर्स का, इन लोगों को प्रॉफिट, ये लोग सिर्फ प्रॉफिट की लालच के अंदर आए कि कंपनी अगर चल गई तो प्रॉफिट हो गया, नहीं चलेगी तो जो हमारे, हमने जितने रुपए के शेयर लगाए थे वो डूब जाएंगे। इस एक को क्या हुआ, अगर कंपनी चल गई तो मेरे 20 रुपए के शेयर 40 के हो गए, मेरे को 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, नहीं चली तो मेरे 20 रुपए डूबेगे, बाकी मेरे एसेट्स भी सिक्योर्ड है, मेरी लाइबिलिटीज भी सिक्योर्ड है, मेरे प्रॉपर्टी भी सिक्योर्ड है, और मेरे को कंपनी में काम भी नहीं करना पड़ रहा। कंपनी का डायरेक्टर इस मेंबर को नहीं बोलेगा आके ऑफिस में काम कर, घर में बैठे बैठे इसके पैसे छप रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हु विल रन द कंपनी का आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे दिक्कतें आई कि भाई और भी चीजों को बताऊं, कंपनी का प्रॉफिट तो हमने बता दिया, अब हम लॉस बताते हैं।
अब हम बात करते हैं लॉस की। अब देखो, प्रॉफिट हो रहा है तब तक ठीक है, लॉस हो रहा है तो कौन लाइबल है और कहाँ, कितने एक्सटेंड तक लाइबल है? क्या डायरेक्टर्स भी लाइबल है? क्या डायरेक्टर्स की प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं जैसे पार्टनरशिप में ले सकते थे? क्या मेंबर्स की प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं? नहीं ले सकते यार, नहीं ले सकते। अगर ले सकते होते तो हम पार्टनरशिप कर लेते, हम ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ही करते हैं। तो ठीक है, अब देखना, हु विल बी लाइबल फॉर लॉस? अगर जेन्युइन लॉस होगा ना तो कोई भी लाइबल नहीं है कि भाई कंपनी डूब गई, कंपनी की वैल्यू शेयर की जीरो हो गई, तो जो जिसने जितने का शेयर लिया था ना उसको लॉस हो गया। सिर्फ जितने का शेयर लिया था ना उतने का ही लॉस हुआ है। अगर किसी ने 20 रुपये का शेयर लिया था ना उसको 20 रुपये का लॉस हो गया, बाकी उसकी प्रॉपर्टी भी सही है, सब कुछ सही है, कुछ भी उसका नुकसान नहीं हुआ और सिर्फ उसको उतने शेयर का लॉस हुआ। अब कंपनी का शेयर हो गया जीरो, पहले 10 रुपीज था, अब कंपनी का शेयर हो गया जीरो। जिसने जितने ज्यादा शेयर खरीदे थे और उतना उसको लॉस हो गया, ठीक है, जेन्युइन लॉस हुआ। तो डायरेक्टर भी लायबल नहीं है, मेंबर भी लायबल नहीं है। अगर रॉन्गफुल फ्रॉड करा डायरेक्टर ने, जिनको हमने कंपनी संभालने को दे रखी थी, वो अंदर ही अंदर करप्शन कर रहे थे और नोट छाप रहे थे, तो ये तो रॉन्ग फ्रॉड करा ये तो डायरेक्टर्स लाइबल है। गवर्नमेंट डायरेक्टर्स को लाइबल करेगी और उनसे सारे पैसे वसूलेगी कि तुमने कंपनी को लॉस में कर दिया, तुमने कंपनी की वैल्यू जीरो कर दी, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम करेक्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। तो डायरेक्टर्स विल बी लाइबल। और मेंबर्स लाइबिलिटी, मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट फॉर विच दे हैव ब्रॉट शेयर। मेंबर की कोई लाइबिलिटी नहीं है, जब जितने का उसने शेयर खरीदा है उतना उसको मनी देना है, सिर्फ इतनी ही उसकी लाइबिलिटी है। जो हमने ऊपर ए का एग्जाम्पल लिया था, अगर कंपनी की नेटवर्थ जीरो हो गई सो ए विल लूज द अमाउंट ऑफ 20 रुपीज इनिशियली इन्वेस्टेड। जो उसने 20 रुपये इन्वेस्ट करे थे वो सब लॉस कर जाएगा अगर कंपनी की नेटवर्थ जीरो हो गई। तो इसे कहते हैं हम लिमिटेड लाइबिलिटी, सॉरी, तो इसे कहते हैं हम लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि भाई कौन कितना लाइबल है। पार्टनरशिप की तरह नहीं कि भाई पार्टनर ने गलती करी उससे लॉस हो गया, सारे पार्टनर लाइबल है। और कहाँ तक लाइबल है? जब तक कंपनी, जब तक उस फर्म का सारा पैसा नहीं चुक जाता, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब बेच देंगे, तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं चलता यहाँ पर। यहाँ पर हमारा सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हमने वॉलेंट्री एसोसिएशन, प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमने देखा, ये रन कैसे करेगी वो हमने देखा, सेपरेट डिपार्टमेंट होगा, मेंबर्स अलग है, डायरेक्टर्स अलग है, मेंबर्स काम नहीं करेंगे, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, डायरेक्टर्स फंक्शनिंग करेंगे कंपनी की, मेंबर्स का काम है सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करना, और प्रॉफिट हुए तो ठीक है, लॉस हुए तो, प्रॉफिट हुए तो ले लो, लॉस हुए तो दे दो, ठीक है, प्रॉफिट हुए तो ले लो, लॉस हुए तो दे दो, खत्म हो गई बात। अब हम बात करते हैं, मान लो मैंने ए ने 20 रुपये इन्वेस्ट करे, इसके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, ये कंपनी को बोलता है मेरे को मेरे 20 रुपये चाहिए, तो क्या कंपनी उसको रुपये देगी? पता नहीं, अभी हम देखते हैं, हमने पढ़ा नहीं, अभी देख लेते हैं। नो रिफंड इज देयर बट मेंबर्स कैन सेल देयर शेयर टू समवन एल्स एंड गेट देयर मनी। मेरे पास 2 शेयर थे, मैंने बेच दिए, किसको बेचे पता नहीं, पर बेच दिए मैंने शेयर, तो मेरे को मेरे पैसे मिल गए, और जो कंपनी है उसके पास तो 20 रुपीज पहले से ही थे। मतलब देखो मेरी बात, अगर देखना, ये एक्स कंपनी है, सॉरी, एक्स कंपनी है, इसने ए को एक शेयर बेचा था 20 रुपये का, 20 रुपये का, ठीक है, तो 20 रुपये इसने एक्स को दे दिए, तो कंपनी के पास से पैसे कम नहीं हुए, कंपनी रिफंड नहीं करेगी। अगर तेरे को 20 रुपये चाहिए तो तू बी को बोल, बी को शेयर दे और रुपए ले, बी को बोल बी को शेयर दे और बी से रुपए ले, हम तेरे को रिफंड नहीं करेंगे, कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट से क्यों कम करेगी? ऐसे तो मान लो सारे लोग ही, सब लोगों के घर में कोई दिक्कत आ गई तो सब लोगों ने पैसे ले लिए, फिर कंपनी का इन्वेस्टमेंट ही रुक जाएगा। तो कंपनी रिफंड नहीं करेगी, तेरे को रिफंड चाहिए तो किसी और के पास जा, उसको अपने शेयर बेच और पैसे ले, शेयर बेच पैसे ले, शेयर बेच पैसे ले, ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत ढंग से पढ़ा रहा हूँ कि भाई सीक्वेंस वाइज, ऐसे नहीं कि सीधा आपके सामने मैंने बुक रख दी और बोला आओ एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। मैं सिचुएशन मैंने आपको बनाई कि हमने कंपनी की कोई जरूरत पड़ी, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बताया वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, सेपरेट मैनेजमेंट होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होती है कि भाई शेयर एक दूसरे से, एक शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। अब सुनो मेरी बात, परपेक्चुअल सक्सेशन, कितनी बार आएगा ये वर्ड परपेक्चुअल सक्सेशन, थक जाओगे। परपेक्चुअल सक्सेशन को समझ लेना बहुत इजी चीज है। देखो,
कंपनी एक बार बन जाती है ना, हमने क्या डिस्कस करा था, अगर फर्म के अंदर किसी की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। इन अ फर्म इफ समवन डाइज सो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, बट इन कंपनी नथिंग सॉर्ट ऑफ हैपेंस। पार्टनर्स मेंबर्स में कम एंड गो, डायरेक्टर्स में कम एंड गो, बट कंपनी विल रिमेन फॉर एवर। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। दोबारा बताता हूँ, इसके अंदर मान लो डायरेक्टर मर गया, डायरेक्टर मर गया तो क्या होगा, मेंबर्स नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेंगे। अगर मेंबर्स मर गए तो क्या होगा, मेंबर्स का कोई ना कोई लीगल हायर होगा, वाइफ होगी, फादर होएंगे, बच्चे होएंगे, तो जिस जो भी लीगल हायर है उसको उसके सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो शेयर होल्डर डाइज, डायरेक्टर डाइज, तो क्या होगा, मैंने बताया शेयर्स विल गेट ट्रांस, शेयर होल्डर डाइज तो क्या होगा, शेयर्स विल गेट ट्रांसफर टू लीगल हायर। इट कैन ओनली बी, ये अभी बताता हूँ, मेंबर्स विल इलेक्ट न्यू डायरेक्टर्स, मेंबर्स डायरेक्टर विल कम एंड गो, बट कंपनी विल रिमेन फॉर एवर। इसे कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, चलती ही जाएगी कंपनी, कंपनी चलती ही जाएगी, कंपनी चलती ही जाएगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, हमने परपेचुअल सक्सेशन कर लिया। अब देखो कंपनी चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। अरे कंपनी रिलायंस कब से चल रही है, रिलायंस के शेयर कब से चल रहे हैं, उसके फादर के फादर से चल रहे हैं। रिलायंस बंद हुई क्या, डायरेक्टर्स आते रहेंगे, मेंबर्स आते रहेंगे, कुछ भी होता रहेगा, कंपनी चलती रहेगी। पर ये बंद कैसे होगी, ये अगर इसको बंद करना है तो ये वाइंड अप होती है। ऐसे नहीं होता कि हमने दुकान का शटर बंद करा, कंपनी बंद हो गई। ये कंपनी ऐसी चीज नहीं है, इट विल बी टर्मिनेटेड बाय प्रॉपर प्रोसीजर। प्रॉपर प्रोसीजर कहाँ पर गिवन है, कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है। अभी हम कंपनीज एक्ट करेंगे, सारी चीजें किसके बारे में कर रहे हैं, हम पहले कंपनी को तो समझे, फिर तो उसके एक्ट पर आएंगे। पर ये चीज गिवन का है, ये कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है। अब मेरी बात सुनो, आगे आगे क्या चीज है, ओनर। अब इस कंपनी का ओनर की, अब देखो ये जो कंपनी है इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, कार होगी जिसमें फंक्शनिंग कर रही है, वो बिल्डिंग होएगी, बिल्डिंग के अंदर इतना फर्नीचर होगा, टीवी होएगा, एसी होएगा, कंपनी। तो वो प्रॉपर्टी किसकी है, वो मेंबर्स की है, मेंबर्स की नहीं है। वो क्या डायरेक्टर्स की है, डायरेक्टर्स की क्यों होएगी, डायरेक्टर्स की नहीं है। तो किसकी है वो प्रॉपर्टी, कंपनी की खुद की है। मतलब कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी कैसे होती है, तो हमने कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना है, हमने कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सन माना है, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कंपनी को हमने राइट्स दिए खुद की प्रॉपर्टी होल्ड करने के। ओनर ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी, मैम कंपनी इटसेल्फ इज द ओनर। ऑल द असेट्स विल बी ऑन द नेम ऑफ द कंपनी एंड नो वन इंक्लूडिंग द डायरेक्टर कैन यूज इट फॉर पर्सनल पर्पस। इसमें कोई दिक्कत, मतलब ओनर कौन है, कंपनी के नाम पर प्रॉपर्टी है। जब कंपनी का ट्रांजैक्शन होगा तो कंपनी के नाम पर प्रॉपर्टी होती है, उसके डायरेक्टर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपनी सबकी है, डायरेक्टर की खुद की नहीं है, और डायरेक्टर उसको पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकता। तो ये हमने इसके अंदर कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपनी रूल बुक, कंपनी को रेगुलेट कौन करेगा। अरे रेगुलेट तो कंपनी जाकर करेगी, पर कंपनी के अंदर का खुद का भी तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि डायरेक्टर की क्या पावर्स है, क्या चीजें हैं। तो वो देखो, ये तो सेपरेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम कंपनीज रूल बुक की बात करते हैं, कंपनीज रूल बुक क्या है, ठीक है। बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी टू डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, नंबर वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी की रूल बुक है, जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ पर है, मतलब वो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन किधर मेंशन है। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना, रजिस्ट्रेशन से पहले उसको दो डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जो मेमोरेंडम एसोसिएशन है उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, जिसमें कंपनी का नेम, कंपनी का रेसिडेंस ऑफिस और कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें जिसके अंदर मेंशनड होती है ना, हम उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में सारी चीजें समझा दी, इसलिए मैं आपको सिर्फ सिचुएशन पे पॉइंट्स पर लेके जा रहा हूं, फिर पॉइंट्स को कंपाइल करके आपका ये नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने बात करी कि कंपनी की रूल बुक क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी की रूल बुक हो गई कि कंपनी की वर्किंग कैसे होगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कौन किसके लिए लाइबल होगा। तो ये तो रूल बुक है, ये
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का, ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर लिखे हैं, और कंपनी का प्रोसीजर कैसे होगा, वर्किंग कैसे होगी, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, लिमिटेशन ऑफ एक्शन बोलते हैं। लिमिटेशन ऑफ एक्शन बोले तो कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड दीज डॉक्यूमेंट्स। कंपनी का काम अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी में इसमें मेंशन है तो उसके अलावा कंपनी कोई फंक्शनिंग नहीं कर सकती। कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस डॉक्यूमेंट्स। तो ये लिमिटेशन ऑफ एक्शन है कंपनी की। तो हमने कंपनीज रूल बुक की बात कर ली। अब देखो एक बार स्टार्टिंग से लेकर आते हैं, हमने किसकी बात करी। सबसे पहले कंपनी की क्या जरूरत पड़ी, पार्टनरशिप फ्लॉप हो गई, बैंक, ये मैं थोड़ा इसमें स्लो चल रहा हूँ, पार्टनरशिप फ्लॉप हो गई, बैंक फ्लॉप हो गया, हमने कंपनी की नीड हुई, प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, कौन कंपनी को रन करेगा, क्या मेंबर्स का कंपनी की प्रोसीजर में कोई हाथ होगा, कोई भी हाथ नहीं है। उसके बाद हमने लॉस की बात करी कि ठीक है लॉस कौन बियर करेगा, हमने रिफंड की बात करी, रिफंड कौन बियर करे, रिफंड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर अवेलेबल होती है, हमने परपेक्चुअल सक्सेशन की बात करी कि कंपनी तो चलती ही रहेगी चलती ही रहेगी, हमने ओनर इनकी सेपरेट प्रॉपर्टी की बात करी कि ओनर कौन है, कंपनी का ओनर कौन है, सेपरेट मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी किसकी है, कंपनी की खुद की है। और फिर हमने बात करी कंपनीज रूल बुक की कि कंपनी इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा, इन डॉक्यूमेंट्स के आगे किसी भी रूल बुक में नहीं जा सकती, ये ही उसके कॉन्स्टिट्यूशन है, कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमने हमारा एक पेज कर लिया, नोट्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप कर देना मेरे को, नोट्स अवेलेबल है सारे, फ्री में अवेलेबल है। हमारा क्रैश कोर्स बहुत सही चल रहा है, क्रैश कोर्स तो नाम से है क्रैश कोर्स, बाकी सारी चीज़ें कवर हो रही है। ठीक है, हमने 3 दिन में 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिया। आपसे रिक्वेस्ट है आप सारे टॉपिक वो देखो, मेरे को मैसेज करके नोट्स लो, जिससे कि फिर हम क्विजेज और मॉक्स भी कंडक्ट कराए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, अब हम आगे बात करते, देखो भाई कंपनी को, कंपनी के नाम पे आप देखना, मेरी बात सुनो मैं करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ, कंपनी के नाम पर प्रॉपर्टी ओन होगी, कंपनी के नाम पर प्रॉपर्टी ओन होगी। ठीक है, कंपनी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट होएंगे, सारे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के डायरेक्टर के नाम पर नहीं होएंगे, कंपनी के नाम पर होएंगे। कंपनी के नाम पर कोई केस फाइल होगा, अगर मान लो कि मेरे को किसी और कंपनी पे किसी कॉपीराइट का केस करना है, किसी भी चीज़ का, मेरे को उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं करा, तो केस किसके नाम का होगा, डायरेक्टर वर्सेज लिखा नहीं आएगा, दिस कंपनी नेम वर्सेज अदर कंपनी नेम, केस लॉ का नाम यह होगा। तो कंपनी के खुद के नाम पर केस होएगा, कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। ये कंपनी तो यार कंपनी आर्टिफिशियल है, पर ओन तो ये सारी ह्यूमन चीजें कर रही है कि प्रॉपर्टी ओन कर रही है अपने नाम पे। तो ये कंपनी को एक लीगल आइडेंटिटी का स्टेटस दे रखा है, लीगल आइडेंटिटी बोले तो आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस दे रखा है। आप समझना, कंपनी इज अ लीगल पर्सन, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इट हैज, इसके पास राइट्स भी है, इसके पास पावर्स भी है, इसके पास ड्यूटीज भी है, इसके पास ऑब्लिगेशंस भी है। तो आर्टिफिशियल पर्सन की तरह कंपनी करती है, इसको वर्क कौन करता है, वर्क तो डायरेक्टर्स करते हैं, पर हर चीज के अंदर डायरेक्टर का नाम नहीं होता, हर चीज में कंपनी का नाम होता है, कंपनी के नाम से सारी चीजें होती है। ठीक है, लीगल एंटिटी होती है, हु सर्वाइव्स बियॉन्ड द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर, मेंबर से चलती रहती है चलती रहती है, जब तक इसको टर्मिनेट नहीं किया जाए। कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज सेपरेट पर्सन विद ओन पर्सनैलिटी, खुद की पर्सनैलिटी है, खुद की आइडेंटिटी है, डायरेक्टर की पर्सनैलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है कंपनी को, सिर्फ डायरेक्टर उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी डायरेक्टर विल एंटर इन टू द बिजनेस नॉट बाय पर्सनल नेम, कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पर हो गए, कंपनी के नाम पर हो गए। तो इसको ही क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सनैलिटी बोलते हैं, इसको ही अपन कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सनैलिटी बोलते हैं कि कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट होएंगे। कंपनी हैव द राइट टू कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ इट सेल्फ ओनली, ही डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द नेम ऑफ इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर, ही कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेम ओनली, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। और ये कॉरपोरेट पर्सनैलिटी अभी अपन आगे बहुत सुनेंगे, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी का मतलब वही है, कंपनी की खुद की लीगल आइडेंटिटी है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है उसकी लीगल एंटिटी है, कंपनी अपने नाम पे काम करेगी, डायरेक्टर्स और मेंबर्स उसको डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्टर्स मेंबर्स कंपनी की प्रॉपर्टी को पर्सनल उसके लिए यूज नहीं कर सकते, उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी है, कंपनी की प्रॉपर्टी अपनी खुद की है,
और ये सेपरेट पर्सन होती है, कंपनी की खुद की आइडेंटिटी होती है, ये सब कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के अंदर आता है। ठीक है, हमने ये कर लिया, असेट्स विल बी परचेज ओनली इन द नेम ऑफ कंपनी, हमने ये कर लिया, एंटायर बिजनेस विल बी डन इन द नेम ऑफ द कंपनी, हमने ये कर लिया, और कंपनी एक दूसरे को सीयू करेगी, कंपनी के नाम पर सीयू होगा, कोई डायरेक्टर के नाम पर सीयू होगा, इसका डायरेक्टर ये तो इसका नाम लगाओ, नहीं, डायरेक्टर के नाम पर सीयू नहीं होगा, कंपनी के नाम पर ही सीयू होगा। तो हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी देख ली, जिसको अभी हम 5 मिनट में समराइज करेंगे, पर उससे पहले हम एक और टॉपिक, एक और छोटी सी चीज समझ रहे हैं, फिर हम इसको एक दो केस लॉज उसके साथ समराइज करेंगे एक पेज के अंदर, अभी हम करते हैं। ठीक है, थीके? तो ये मैंने लाइन बना रखी है, दिख रही होगी, अब हम आगे चलते हैं। देखो, अब सुनो मेरी बात, कंपनी के अंदर कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इतने सारे शेयर होते हैं, एक्स की कंपनी है, 1 लाख लोगों ने, कितने सारे रिलायंस की कंपनी में कितने सारे लोगों ने पब्लिक फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, इसका मतलब पब्लिक फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, और पब्लिक फंड्स की सुरक्षा करना किसका काम है, पब्लिक की सुरक्षा करना किसका काम है, गवर्नमेंट का। अब यार कंपनी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन तो होने चाहिए, होने चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इन पे कंपनीज एक्ट, ये सारी कंपनियां कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अंदर आती है, मतलब ये कंपनीज एक्ट के अंदर फंक्शन करती है, ये सारी कंपनियां कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर फंक्शन करती है। गवर्नमेंट क्यों लेकर आई, क्योंकि इसमें पब्लिक फंड्स बहुत इन्वॉल्व थे, ये जो डायरेक्टर है ये फ्रॉड करेगा, कुछ करेगा तो लॉस किसको होगा, लॉस पब्लिक को होगा, तो लॉस पब्लिक की वजह से गवर्नमेंट को इनको कंपनीज एक्ट के अंदर लाना पड़ा, और वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टैब्लिश करे, गवर्नमेंट हैव टू मेक दिस कंपनीज एक्ट अंडर सम रिस्ट्रिक्शन, दैट्स व्हाई दे हैव ब्रॉट कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, एंड फॉर दैट पर्पस ओनली नाउ वी विल स्टडी, नाउ वी विल समराइज द टॉपिक, नाउ नो नो बिफोर समराइजिंग वी विल स्टडी दैट एज द पब्लिक फंड्स आर इन्वॉल्व देर इज अ नीड टू ब्रिंग दिस अंडर रेगुलेशन एंड रूल्स, दस कंपनी एक्ट 2013 इज एस्टैब्लिश्ड, कंपनीज एक्ट 2013 इज एस्टैब्लिश्ड। अब सेक्शन 2 ऑफ 20 देखो, मैंने लास्ट वीडियो में जब मैंने टॉट की फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था, तो मैंने कहा था सेक्शन 2 मोस्टली हमें यह बताते हैं किसी चीज की डेफिनेशन, जैसे टॉट के अंदर सेक्शन 2 के अंदर लिमिटेशन एक्ट ने टॉट को क्या बोला था, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच इज एक्सक्लूसिवली डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे करके उसने टॉट की डेफिनेशन बताई थी। तो सेक्शन 2 ऑफ 20 ऑफ कंपनीज एक्ट कब का, 2013 का, ये लेटेस्ट कंपनीज एक्ट है, अभी हम इसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ ऑफ 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। कंपनी कौन होगी, कंपनी वो होगी जिसने कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन कराया होगा, प्रॉपर रूल्स लिखे हुए उसमें रजिस्ट्रेशन के, या फिर इससे पहले, क्या 2013 में आया था कंपनीज एक्ट, के गवर्नमेंट इतनी सोती थोड़ी है कि 2013 में नींद खुली कि कंपनी में पब्लिक फंड्स इन्वॉल्व है तो 2013 में एक्ट लाया, नहीं, 18th सेंचुरी ब्रिटिशर्स के टाइम से कंपनीज एक्ट कोई ना कोई चल रहा है, अभी हम देखेंगे। तो या तो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो या इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो जो 18th सेंचुरी से लेके 2013 तक आए, उसे हम कंपनी बोलेंगे। सो कंपनी इज समथिंग विच इज रजिस्टर्ड इन अ 2013 एक्ट और एनी अदर सम एक्ट। तो सेक्शन 2 ऑफ 20 हमारा कंपनीज एक्ट के बारे में ये बताता है। ठीक है, नाउ टेल मी, डोंट यू थिंक देयर विल बी एनी एक्ट सिंस इंडिपेंडेंस गवर्निंग आवर कंपनी। गवर्नमेंट क्या नींद में थी, गवर्नमेंट पहले से एक्ट थे, ब्रिटिशर्स के टाइम से एक्ट है, वो हम हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट अभी हम करेंगे, कंपनीज लॉस के अंदर ये हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट, पर आज नहीं शायद कल की वीडियो में होगा, हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट करेंगे, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंपनीज एक्ट कहाँ से इवॉल्व हुए, अभी क्या है, ये करेंट कंपनीज एक्ट है जो अभी जिससे सारी कंपनियां रजिस्टर्ड होती है, ये सारे एक्ट पुराने हो गए तो इनको हटा दिया गया। ठीक है, देर आर टू थ्री एक्ट्स बिफोर कंपनी लॉ 2013। बिफोर मूविंग टू द हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ वी विल रिकैप एंड नोट इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम मॉड्यूल। अब हम इसको मॉड्यूल से रिकैप करेंगे एक बार, मॉड्यूल बोले तो मॉड्यूल से मैंने बहुत चीजें मार्क करी है, मैंने आपको भी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करा, मैं उसको एक जगह समराइज करूंगा। देखो, सबसे पहले तो हमने, अभी इसमें मत जाना, इसको इग्नोर मानना प्लीज, अभी हमने समरी के अंदर सबसे पहले तो हमने मीनिंग देखे,
कि भाई कंपनी क्या होती है, ब्रेड बटर वाला कॉन्सेप्ट देखा, कंपनी कैसे इवॉल्व हुई, कंपनी की नीड क्या हुई, और फिर हमने नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। इससे अच्छा कंपनी लॉ किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना यार। तुम लोग सब्सक्राइब कम करते हो, सब्सक्राइब करो जिससे कि नोटिफिकेशन भी आए और मेरे को मोटिवेशन भी मिले कोर्स कंप्लीट करने का। तभी तो मॉक्स और क्विजेस सब आने हैं अभी, तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, देखो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात करी, अभी इसके अंदर हम सारे टॉपिक्स वही देखेंगे जो हमने डिस्कस कर लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, लिमिटेशन एक्शन, प्रॉफिट लॉस, ये सेपरेट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें भी हम देखते हैं। उससे पहले देखो एक छोटा सा तुम्हारा क्विज के अंदर, तुम्हारा एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन बनता है, कई तुम्हें इंस्टीट्यूट की मॉक्स में भी मिल जाएगा, अभी सब मिलेगा ये क्वेश्चन, कि एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेशन बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेशन इज नॉट अ कंपनी। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ये कोई इतना खास इसका मतलब रीजनिंग तो नहीं है, पर ठीक है मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको क्या समझाता हूँ, देखो बॉडी कॉर्पोरेशन जो होती है, बॉडी कॉर्पोरेशन भी कॉर्पोरेशन कॉर्पस वर्ड से बनी है, कॉर्पस वर्ड, तो बॉडी कॉर्पोरेशन भी होती तो ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, होता तो यही है। और अब देखना, पर कंपनी में क्या होता है, कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है। कंपनी की डेफिनेशन क्या है, एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन द एक्ट ऑफ 2013 और उससे पहले के एक्ट में, मतलब कंपनीज की डेफिनेशन तो यही है। तो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है और बॉडी कॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होती। बॉडी कॉर्पोरेशन एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, इट इज वाइडर, और उसका एक पार्ट क्या है, कंपनी है। तो सिर्फ इतना सा रट्टा मार लो, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेशन, इसके अंदर आ रही है तो एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेशन बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेशन इज नॉट अ बॉडी कंपनी, ये रट्टा मार लो। एमसीक्यू है हमारा, रिटन पेपर नहीं है, रट्टा मार लो। और कॉन्सेप्ट समझना है तो एक एग्जांपल समझ जाओ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी है, वो बॉडी कॉर्पोरेशन है। एनजीओ, कोई भी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, वो कंपनी है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी नहीं है, वो गवर्नमेंट की फूड के लिए, वो उसको देखने के लिए ग्रुप ऑफ लीगल पर्सन है फूड के बिजनेस को देखने के लिए, पर वो कंपनी नहीं है, वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, वो एक बॉडी कॉर्पोरेशन ही है। सिर्फ इतनी चीज समझना, ज्यादा डीप में नहीं जाना इस बॉडी कॉर्पोरेशन और कंपनी के अंदर। अब देखो नंबर वन मॉड्यूल के हिसाब से चलेंगे, नंबर वन हमारा क्या है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब मेरे को सब बताओ, मैंने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी तो मैं क्या बोला, कई बार आएगा कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होता है, मतलब इसका वही है, लीगल एंटिटी है एक, लीगल उसका महत्व है, कॉन्ट्रैक्ट में कर सकती है। कंपनी पर्सन से डिफरेंट है, मेंबर से डिफरेंट है, डायरेक्टर से डिफरेंट है, वही कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है। इसकी क्या है, अ कंपनी इज अ सेपरेट बॉडी, सेपरेट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम इज एम्प्लॉयज, ठीक है। एक बार वाटर ब्रेक लेकर आते हैं। हाँ तो हम अब इस चीज की समरी कर लेते हैं फटाफट। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मैंने बता दिया, देखो मॉड्यूल में इसके दो तीन केस लॉ गिवन है। देखो मॉड्यूल में जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है ना, उसके फैक्ट्स भी दे रखे, और ये दोनों तो एग्जीक्यूटिव के अंदर पेपर वन में चैप्टर फर्स्ट के अंदर, हाँ चैप्टर फर्स्ट के अंदर भी इसी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के अंदर दे रखे हैं। तो अब देखो सैलोमन वर्सेस सैलमन का केस है, तुम्हें केस याद नहीं करना, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का केस है। इसके अंदर कोर्ट ने ये कहा था कि भाई इंडिविजुअल और कंपनी में फर्क है, कंपनी और उसके मेंबर में फर्क है, कंपनी और उसके डायरेक्टर में फर्क है, वो दोनों सेम नहीं है। कंपनी को सेपरेट एक लीगल आइडेंटिटी का जजमेंट दिया है। और बाकी ली वर्सेज ली एयर फॉर्मिंग केस के अंदर भी यही हुआ, लोगों ने बोला कि यार कंपनी तो यही है, कंपनी तो वो पर्टिकुलर मेंबर उसको डायरेक्ट कर रहा है तो कंपनी वही हो गया। तो कोर्ट ने कहा नहीं, वो मेंबर और कंपनी अलग है। हम फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो इग्नोर मारना, कोई भी इंपॉर्टेंट तुमसे ये नहीं पूछेगा कि इसने कितने रुपए के अंदर कितने रुपए का इसने बिजनेस कमाया था, क्या करा था, ये चीजें नहीं आएगी। सिर्फ ये पता होना चाहिए सैलमन वर्सेस सैलमन केस लॉ हमारा कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का केस है। इस केस के अंदर सैलमन था एक प्रॉस्परस लेदर बिजनेसमैन था, इसने 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 अपना बिजनेस और बहुत प्रॉस्परस करा था, इंडिविजुअल बिजनेस था। इसने क्या करा, फिर एक कंपनी बनाई, अपने साथ फैमिली मेंबर को जोड़ा, अपनी वाइफ, अपने सन और अपने भाई, इन सबको उसने जोड़ा। उसके बाद इसने क्या करा, ये बिजनेस को इस कंपनी को बेच दिया।
ये बिजनेस को इस कंपनी को बेच दिया, सोल्ड इस बिजनेस टू कंपनी फॉर इतने अमाउंट ऑफ डॉलर, जिसमें उसको 20,000 के कंपनी के शेयर मिले, 8,000 कैश मिले और 10,000 के उसको सिक्योर्ड डिबेंचर्स से, 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर्स मिले। सिक्योर्ड मतलब अगर कंपनी कभी जीरो हो गई या कंपनी का कभी, सबसे पहले सिक्योरिटी में इसको प्रोवाइड इसको चुकाएगा वो, ठीक है। तो कंपनी ने उसको 38,000 इतने में एक्वायर करा और उसके बदले सैलोमन को ये दिए। पहले वो बिजनेस था, अब वो बन गई है कंपनी। पहले बिजनेस का मालिक सैलमन था, अब कंपनी का कोई मालिक नहीं है, कंपनी खुद ही कंपनी है, ठीक है। तो अब सुनो, नाउ ओनर ऑफ द बिजनेस बिजनेस इज कंपनी एंड नॉट सैलमन। बट थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, कंपनी रैन इनटू डिफिकल्टीज और उसकी जो एसेट्स है ना, सिर्फ 6,500 की बची। कितने की बची? 6,500 की एसेट्स बची। अब उसको लोन, जो उसने लोन लिया था, जो उसके इन्वेस्टर्स थे, क्रेडिटर्स थे, उनको 8,000 डॉलर देने थे, और सैलेमन को, हमारे सैलेमन को, जो उसने 10,000 की सिक्योर्ड डिबेंचर्स की अगर कंपनी डूबेगी तो सबसे पहले तेरे को हम पैसा देंगे, सैलेमन को देने थे। देखो ये डिबेंचर्स और आ गया है, ये बिल्कुल वो नहीं है। बस एक बात ध्यान रखो कि ये केस लॉ किसका है। प्रॉस्परस बिजनेसमैन था, उसने बिजनेस को कंपनी को बेचा, कंपनी ने उसको ये वादा करा, एसेट्स बाद में बचे कितने के इतने के, और उसमें चुकाने 8,000 भी थे, 10,000 भी थे। अब कोर्ट, अब चुकाए किसको पहले? तो चुकाना डिबेंचर्स को पहले चाहिए, क्योंकि वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे, क्रेडिटर्स गए भाड़ में, क्रेडिटर्स का हमें कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने जितने 6,500 थे ना, वो सैलमन को दे दिए, और क्रेडिटर्स के 8,000 रुपये डूब गए, सैलमन के बाकी रुपए डूब गए, कंपनी बंद हो गई। लायबल कौन है? लायबल ना तो डायरेक्टर लायबल है, ना मेंबर लायबल है, कोई भी लायबल नहीं है। क्रेडिटर्स कोर्ट गए, कोर्ट में उन्होंने बोला कि यार हमें हमें इन एसेट से पैसा दो, हमें इन एसेट से पैसा दो। क्यों पैसा दो? क्योंकि सैलमन की कंपनी थी वो, सैलमन की पहला बिजनेस था, उसने अपना बिजनेस बेचा, तो कंपनी उसकी थी, आप इसको पैसा क्यों दे रहे हो? तो कोर्ट ने पता क्या बोला, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी क्रेडिटर की प्लेओ, बोला कि पहले वो बिजनेस था, अब कंपनी थी, अब सैलमन की नहीं थी, ठीक है। बस वही कॉर्पोरेट लीगल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट इसमें स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। ये वाले केस के अंदर एक जने ने कंपनी बनाई, कंपनी बनाने के बाद खुद को उसमें एम्प्लॉय करा, खुद प्लेन चलाता था, एक प्लेन चलाते हुए उसकी डेथ हो गई, एयर क्रैश हो गया, प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश होने के बाद उसकी विडो ने कंपनी से कंपनसेशन मांगा कि मेरे मेरे हस्बैंड आपकी कंपनी में जॉब करते थे। कंपनी ने कहा कि भाई सारे शेयर उसके पास थे सिवाय एक के अलावा, वो मेजोरिटी में था कंपनी में, कंपनी तो वही था। उसने क्या बोला, उस कंपनी डाइड, कंपनी डाइड, एक मिनट, हिज विडो आस्क फॉर कंपनसेशन, कंपनी सेड ली वॉज हिमसेल्फ द कंपनी, ली तो खुद ही कंपनी था, तो हम उसको कंपनसेशन क्या दे। वो कोर्ट गई उसकी वाइफ, और कोर्ट ने कहा कि ली और कंपनी डिफरेंट था, अगर ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस कंपनी को बनाए कौन, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली थी वो कंपनी, तो आपको उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये ली वर्सेस ली फॉर्मिंग वाले केस के अंदर हुआ। तो पहला केस देखो, ज्यादा केस लॉ अपन नहीं कर रहे, मैं ज्यादा केस लॉ डिस्कस नहीं कर रहा, जो जिसके फैक्ट्स, इनके आधे आधे पेज के मॉड्यूल में फैक्ट्स गिवन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और इसका भी आधा पेज का गिवन है, ठीक है। तो हमें इसका ध्यान रखना है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का केस है, और बाकी जो एक एक लाइन के केस है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रेफरेंस होते हैं। अगर केस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो पीछे आईसीएसई के जो अपना सीएसईटी का मटेरियल है, उसके पीछे मार्क्ड होते हैं, कि मतलब एक क्वेश्चन तो केस पे बेस्ड होता है। केस इंपॉर्टेंट नहीं है, केस के चक्कर में बाकी चीजें भी भूल जाओगे। तो केस जैसे मैं एक बार बोल रहा हूं वैसे कर लो, और बाकी करने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं, अगर मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसका थर्ड केस लॉ। थर्ड केस लॉ इसके अंदर तीन केस लॉ है, बाकी तो फिर टोटल मिला के एक दो केस है। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्यों? क्योंकि लीगल आइडेंटिटी होती है, लीगल आइडेंटिटी के बाद क्या होता है, लीगल खुद की पर्सनैलिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब इसके बेसिस पे इतने सारे केस लॉ गए। अब ये देखो थर्ड वाला केस लॉ, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दे रखा है मॉड्यूल में, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, ये कंपनी थी, कंपनी के चार लोग थे, इसने कोई इसको अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को बेचनी थी, तो इसने कोर्ट को बोला यार प्रॉपर्टी तो मैं बेच दूंगा, पर मेरे को टैक्स देने से एग्जेम्प्ट करो, क्योंकि मैं और कंपनी
कंपनी मेरी है और मैं कंपनी का हूँ, बेच मैं कंपनी को रहा हूँ, तो यार जब सब कुछ आपस में ही हो रहा है तो मैं टैक्स क्यों दूँ? फिर कोर्ट ने कहा नहीं बेटा रहने दे, कंपनी अलग है तू अलग है, तेरे को टैक्स देना ही पड़ेगा प्रॉपर्टी पर। जो एक प्रॉपर्टी को जब दूसरे प्रॉपर्टी में दूसरे को ट्रांसफर करते हैं ना, जो टैक्स होता है ना, वो देखो टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बार पहले लिमिटेड लाइबिलिटी से, पहले परपेचुअल सक्सेशन मैंने बता दिया, उसके अंदर हमने अभी डिस्कस करा कि भाई कंपनी विल नेवर डाई, मेंबर्स विल कम एंड गो बट कंपनी विल रिमेन फॉर एवर। सेपरेट प्रॉपर्टी का हमने केस लॉ डिस्कस करा। देखो सेपरेट प्रॉपर्टी के अंदर क्या है ना, ये वाला केस है ना कंपनी, ये अपना इंडियन केस है मद्रास हाई कोर्ट का, परुमल RF परुमल वर्सेस जॉन डेवन, ये वाला केस लॉ एक बार देख सकते हो। सिर्फ यही केस के फैक्ट्स नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये है कि नो वन कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, कोई भी ओनर क्लेम नहीं कर सकता, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी की खुद ही ओनर है, ये मैंने बता दिया। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर बता दिया, रिफंड अगर मनी चाहिए तो, कैपेसिटी टू सी और सूट वाला मैंने बता दिया, कंपनी के पास अपने कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स होते हैं वो मैंने बता दिया, लिमिटेशन ऑफ एक्शन होती है जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या जो MOA के अंदर होता है और AOA के अंदर होता है, देख लेना यार अभी डिस्कस कर चुके हैं अपन, जो MOA के अंदर होता है और हाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है, वही वही उससे कंपनी बाउंड होती है, सेपरेट मैनेजमेंट होता है, ये मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, सारे मैंने समराइज कर रखी है चीज़ों को इधर कि सेपरेट मैनेजमेंट होता है, इसमें क्या डिस्कस करूँ, मैंने सारा पीछे अभी आपके सामने मैंने डिस्कस कर लिया कि जो मेंबर्स होते हैं उनका कंपनी में कोई कंट्रोल नहीं होता, ये लोग वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट के होते हैं। अब देखो सब अपनी प्रॉफिट के एम पर आते हैं, हमने बताया था प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्शन है इसमें, क्या है सेक्शन 8 कंपनी है ना नो प्रॉफिट मोटिव से आती है, ध्यान रखना सेक्शन 8 कंपनी नो प्रॉफिट मोटिव से आती है, उनका प्रॉफिट करने का एम ही नहीं होता, तो ये MCQ में डायरेक्ट आ सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, नॉन प्रॉफिट मोटिव कंपनी होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखो तो रख लेना, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया, इसको ध्यान रखो तो रख लेना वरना कोई बात नहीं, इसके पीछे के दोनों केस लॉ ध्यान रखने हैं। अब लिमिटेड लाइबिलिटी देखो, ये मैंने बता दिया मेंबर्स की लाइबिलिटी पहले डिस्कस कर चुका, सिर्फ शेयर तक लिमिटेड है। डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी अगर जेन्युइन लेस है तो नहीं है, अगर करप्शन हुआ है तो उनकी लाइबिलिटी बनती है। और एक तीसरा इसमें है ना, दो लाइन में एक्सप्लेन कर रखा है, समझ में आया तो ठीक है जाने दो, वरना अब समझ में नहीं आया तो जाने दो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि दो लाइन में है। लाइबल कब है, देखो कंपनी के अंदर है ना अगर 1% कंपनी होती है, अभी हम टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम मेंबर्स 1 होते हैं, प्राइवेट कंपनी होते हैं तो उसमें मिनिमम मेंबर्स 2 और मैक्सिमम 200 होते हैं, और पब्लिक कंपनी में 7 मिनिमम होने चाहिए। मान लो कोई पब्लिक कंपनी थी, उसमें कोई पब्लिक कंपनी थी 7 लोगों की, एक जने की डेथ हो गई, 6 रह गए, तो 6 महीने के अंदर है ना उसकी पोस्ट को दोबारा फिलफिल करना पड़ता है। अगर उसके 6 महीने के अंदर पोस्ट दोबारा फुलफिल नहीं हुई और कंपनी रन कर रही है, तो फिर वो कंपनीज की जो कंपनी डायरेक्टर्स उसके लिए लाइबल हो गए, लॉसेस के लिए डायरेक्टर्स लाइबल हो गए। तो यही मैंने लिखा है कि मिनिमम मेंबर्स फॉल्स बिलो द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम नंबर एंड बिजनेस इज कैरिड आउट फॉर मोर देन 6 मंथ, 6 महीने के बाद तक, 6 महीने का टाइम पीरियड दिया है, अगर 7 से 6 मेंबर हो गए और उसके बाद भी कंपनी रन कर रही है, तो जो लॉसेज हो गए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो गए, डायरेक्टर्स हो गए। तो ये हमने इधर बात कर ली, ये हम आगे डिटेल में करेंगे, पर इसमें कोई डिटेल वाली चीज नहीं है, 2 लाइन का था इसलिए मैंने आपको इधर एक्सप्लेन कर दिया, हमने ये बात कर ली। हाँ एक लास्ट ऊपर है, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब कंपनी विल गो जब तक, कब तक चलती रहेगी, जब तक उसको टर्मिनेट खुद नहीं कर देते बाय लॉ से। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया 1 मिनट, जिसके अंदर हमने आपसे 2 चीजें डिस्कस करी है, नंबर 1 इज मीनिंग प्लस नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 इंपॉर्टेंट केस लॉ है, दो तो वो और 2 इंपॉर्टेंट केस लॉ एक तरीके से, बाकी सब देख लेना कोई इतने खास नहीं है, मैं बोल रहा हूँ फिर 1 लाइनर केस लॉ नहीं होते खास, वो रेफरेंस के लिए दे रखे, आपको समझाने के लिए दे रखे, मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखो उससे ही सारे क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके फीचर्स देखेंगे और इनका डिफरेंशिएशन देखेंगे, पार्टनरशिप एक्ट और कंपनी का, ज्वाइंट हिंदू लाइबिलिटी और कंपनी का, डिसएडवांटेज क्या होते हैं कंपनी के, तो मेन कंपनी का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर नोट्स, थैंक यू।